सोनभद्र जिले के घोरावल ब्लॉक के अलग अलग गांवों में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण के नाम पर धांधली और सरकारी धन का गबन किए जाने के लिए आरोप में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता सहित विभाग के ही 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा खंड विकास अधिकारी के तहरीर पर दर्ज किया गया है। इन पर 44.26 लाख रुपए सरकारी धन के गबन का आरोप लगा है। हीरामणि वर्मा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड जितेंद्र चौधरी, खंडीय लेखाधिकारी संतोष कुमार यादव, वरिष्ठ सहायक भागीरथी चौहान, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच की, इनमें 12.1 लाख की धनराशि स्वीकृत थी, लेकिन इसके सापेक्ष 56.27 लाख की धनराशि आहरित की गई। जांच में पाया गया कि 44.26 लाख की धनराशि का गबन किया गया है। खंड विकास अधिकारी घोरावल के तहरीर पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हालांकि जिला के एसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सरकारी धन के गबन के मामले में एक इंजीनियर सहित 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच संबंधित विभाग के अधिकारियों ने की, जिनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सरकारी धन गबन का, क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ है? इसमें विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ग्राम विकास आए हुए थे जांच में, उनके द्वारा सूची मांगी गई कि जो ऐसे कार्य दिए जाए जो विगत वर्षों में सबसे ज्यादा धन व्यय हुआ हो, तो उसपे पीडब्ल्यूडी के 2 कार्य उसमें दिए गए, घोरावल ग्राम पंचायत के बाग पोखर और खैरा में। जब उसकी बाग पोखर की जांच हुई तो उसमें जो है 30,08,000 जो है रुपये जो है के सापेक्ष इन्होंने 30,16,000 जो है व्यय दिखाया, लेकिन जब मौके पर फाइल में देखा गया तो इनको मात्र जो है 7,10,000 की स्वीकृति हुई थी और इन्होंने फर्जी जो है ढंग से मास्टर रोल जारी करके 23,06,000 और अतिरिक्त जो है बिना स्वीकृति के आहरण कर लिया, तो उस पर उन्होंने जांच के लिए आदेश दिए, तो मेरे द्वारा जांच की गई। तो इस प्रकार के 3-2 प्रकरण और संज्ञान में आए, खैरा में जिसमें इनको जो है केवल धनराशि 3,55,000 दी गई थी, इस पर इन्होंने 19,96,000 रुपये जो है निकाल लिया, 16,41,000 की धनराशि का गबन कर लिया। इसी प्रकार जो है घोरावल के ही कुटहा गाँव में तीसरे संपर्क मार्ग पे 1,36,000 मात्र इनको जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई थी, जिसपे इन्होंने 6,15,000 की धनराशि फर्जी ढंग से निकाली मास्टर रोल जारी करके। इसके क्रम में जब जांच की गई तो फाइल जो है पुटअप की, जिलाधिकारी महोदय ने जो है 26 तारीख में अनुमोदन दे दिया कि इन लोगों के दोषी खिलाफ जो है FIR कराई जाए। तत्संबंध में मेरे द्वारा पत्र लिखा गया कि इसमें कौन कौन से संलिप्त है, अधिशासी अभियंता जो वर्तमान में है उन्होंने पूर्व अधिशासी अभियंता हीरामणि वर्मा, श्री जितेंद्र चौधरी खंडी लेखाधिकारी, संतोष कुमार यादव वरिष्ठ सहायक जो मनरेगा का काम देखते हैं, और श्री भागीरथी चौहान कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्सिंग से है, इन्होंने 4 नाम दिए। उसके क्रम में मेरे द्वारा जांच करके खंड विकास अधिकारी अवली कार्यक्रम अधिकारी घोरावल को आदेशित किया गया कि इसमें दोषियों के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत थाने में FIR कराई जाए। सर कुल कितनी धनराशि का गबन हुआ है? कुल जो है 12,01,000 हमारे द्वारा स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दी गई थी, हमारे यहाँ से पत्रावली चलती है सीडीओ साहब के माध्यम से, जिसमें इन्होंने 12 लाख के सापेक्ष इन्होंने 56,27,000 निकाल लिया, कुल 44,26,000 रुपए की धनराशि के गबन का मामला है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीडीओ साहब की अध्यक्षता में मैं मेंबर डीसी मनरेगा मेंबर और यही डीआरडीए का जो काम देख रहे थे भाई, वो 3 लोगों की कमेटी उन्होंने गठित की है कि इस प्रकार के 3 प्रकरण की विस्तृत जांच भी कर ली जाए, इस प्रकार के और जो प्रकरण है उसकी भी जांच कर ली जाए। तो रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में इन 4 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज करा दी, जिसकी कॉपी भी हमें प्राप्त हो गई है। कारण तो ये जो संबंधित विभाग उनके द्वारा जांच की गई थी, उन्होंने तहरीर दिया कि जो है इसमें धन का गबन हुआ है, जिसमें 4 इंजीनियर शामिल है, एक ऑफिस के कर्मचारी भी शामिल है, प्रथम दृष्टि और नेगलिजिबल ऑफेंस के ठीक हो रहा था, इसलिए उसको पंजीकृत किया। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।